स्टॉक खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, और खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप कि आखिर में शेयर को खरीदें, बेचें या फिर बने रहें। एक एक करके जो है कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज की। सोलर इंडस्ट्रीज पे आज खबर ये आई है, कंपनी ने 3 नए जो है एक्सप्लोजिव का सफल परीक्षण किया है। और आपको बता दें कि ये जो सफल परीक्षण जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तहत हुआ है, और इससे भारत की जो रक्षा क्षेत्र है उसको जो है काफ़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। कंपनी की जो मौजूदा ऑर्डर बुक है वो 5000 करोड़ से ज़्यादा है, 5129 करोड़ रुपए की है। और इन नए विस्फोटक जो कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो जो TNT विस्फोटक होता है उससे करीब करीब 2.01 गुना ज़्यादा ये असरदार है। तो ये भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इसी के चलते शेयर में अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 64%, एक साल में करीब करीब 200% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अब जरा शेयर पर नज़र डालते हैं, जब हमने खबर बनाई थी तब 8% के आसपास की तेज़ी थी, और अभी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं 7.25% की तेज़ी है, और ये 10,895 पर शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, क्या आज की रैली के बाद भी क्या यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है क्या? कैसे देख रहे हैं आप सोलर इंडस्ट्रीज को? शेयर एक साइडवेज मूवमेंट से आज के बाद एक ब्रेकआउट किया है। जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट हुआ है, आज इसे पहला दिन मानना चाहिए। इसका मतलब ये कि शेयर में कल और परसों 2 दिन और तेजी हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म मतलब 48 घंटे के अगर आप खिलाड़ी हो तो आप कुछ निवेश कर सकते हैं। 7.25% की तेजी के आसपास ये शेयर घूम रहा है, बट ध्यान रखिए 10,000 की कीमत का शेयर है, 800 रुपए का ऑलरेडी मूवमेंट आज हो चुका है। लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट चार्ट पे आया है, जिसके कारण इसमें कुछ और मूवमेंट आने वाले 1-2 दिन में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पर रणनीति जो है निकल करके आती हुई सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर, थोड़ा बहुत अब अभी मोमेंटम में है, देखने को और मिल सकता है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और जिस पर कि हम बातचीत कर चुके हैं, और वो है GRSC। तो GRSC में आपको बता दें खबर क्या है। बांग्लादेश सरकार से कंपनी को 175 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो समुद्री जहाज बनाने के लिए बांग्लादेश सरकार की तरफ से इनको मिला है, और कंपनी अगले 24 महीने यानी 2 साल के अंदर कंपनी को ये ऑर्डर कंप्लीट करना होगा। और पिछले 1 महीने में शेयर के अंदर हमने देखा करीब 70%, और 6 महीने में 178% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है, और लगातार मोमेंटम में है शेयर। 4% से ज़्यादा की तेज़ी आज भी यहां पर देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी, और अभी भी अगर हम देखें तो जो शेयर के अंदर भाव देखने को मिल रहा है वो 4% के आसपास की तेज़ी का है। शानदार मूव रहा है सर, चूंकि ये इस पर आपकी टिप्पणी हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो आपकी राय क्या होगी? पिछले 5 दिन में 15.5%, 1 महीने के अंदर करीब 70% का रिटर्न, कैसे देख रहे हैं सर आप गार्डन रिच को? अच्छी है, प्रदर्शन अच्छा है, और मुझे ये कलकत्ते में इनका जो ये शिपयार्ड है उसे देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ था जब इसका IPO आया था। देखते देखते ये कंपनी, मेरे ख्याल से अगर मेरी याददाश्त सही है तो इसकी IPO प्राइस 200-250 रुपए से कम की थी, और वहां से इसका ये प्रदर्शन हुआ है कि, मतलब ये डॉकयार्ड कंपनी में ये और मजगांव डॉक, ये दोनों की रिटर्न बहुत ही शानदार रही है। निवेशित रहिए, साइडवे मूवमेंट में से आज शेयर ऊपर निकला है, बट ध्यान में रखिए कि ये ऑर्डर इतना बड़ा नहीं। जी, आपकी आवाज चली गई सर। जी सर, ऑर्डर हर सर आपकी ये लास्ट लाइन जरा फिर से बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज चली गई थी। ये इस कंपनी को जो ये ऑर्डर मिला है, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक के हिसाब से नहीं है। ऐसे ऑर्डर तो उसे कई मिलते हैं हर साल, तो सिर्फ ऑर्डर को लेकर ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी सिर्फ ये ऑर्डर के लिए बहुत बढ़िया हो। कंपनी बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। अगली कंपनी पर जाएं
और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर है सीएसबी बैंक को लेकर के। आपको बता दें कंपनी ने जो अपनी पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं और इसमें कंपनी के जो बैंक का कुल जमा है, जो कंपनी के डिपॉजिट्स हैं, वो पिछले साल के मुकाबले 22.2% बढ़कर के 29,719 करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले साल की फिगर है, पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं। जो कंपनी का ग्रॉस एडवांसेस हैं उसमें हमने देखा 17.7% की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़कर के 24,572 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी का चौथी तिमाही मुनाफा था वो थोड़ा सा सबड्यूड रहा था, थोड़ा सा धीमा रहा था, 3% कंपनी का मुनाफा गिरा था, ये 151.5 करोड़ रुपए रहा। लेकिन अब जो बिजनेस अपडेट आई है उसके चलते ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नतीजे और बेहतर रह सकते हैं। और इसी के चलते हमने देखा था कि शेयर में करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर करीब ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा गिरा दबाव देखने को मिला है, लेकिन 1.25% के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। सीएसबी बैंक सर कैसे देख रहे हैं आप इसे? जो Q1 के अपडेट्स आए हैं बिजनेस के वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद नतीजे भी आने वाले दिनों में अच्छे रहें, तिमाही के शेयर में अच्छी चाल आज देखने को मिल रही है, आपकी सलाह क्या रहेगी? शेयर ने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाकर चार्ट के ऊपर में ये एक मूवमेंट दिख रहा है। पिछले जो दो इसने हाईज बनाए थे उसके बाद में अब ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास जा रहा है। शेयर अगर अगर 418 रुपए के ऊपर निकल जाता है तो इसके अंदर में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा जो शेयर को 450 या उसके आसपास ले जाएगा। तो मेरे ख्याल से मूव अच्छा है अपडेट देकर। अब नतीजे कैसे आते हैं उसके ऊपर निर्भर है। अगर ये नतीजे ये लेवल जो मैंने आपको बताया 418-20 के आसपास क्रॉस कर जाता है तो शेयर में एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की संभावना बन जाती है। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं और इसका असर किस तरीके से निकल करके आएगा। DCX सिस्टम, आपको बता दें यहाँ पर कंपनी को L&T से एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की सप्लाई के लिए कंपनी को 1250 करोड़ रुपए का ये नया ऑर्डर मिला है और अगले 3 साल में कंपनी को इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होगा, इस ऑर्डर को पूरा करना होगा। और अभी हाल फिलहाल में जनवरी महीने में ही कंपनी ने QIP के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन नए ऑर्डर मिलने की खबर से हम देख रहे हैं शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम DCX सिस्टम में देखने को मिल रहा है। और अभी भी शेयर अगर हम देखें तो 13% से ज़्यादा की अब तेज़ी देखने को मिल रही है, जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 12% ऊपर था, अब 13.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर DCX सिस्टम में देखने को मिल रही है, 431 का भाव। DCX सिस्टम नया ऑर्डर L&T से मिला है सर और उसके बाद से शेयर में एक जो है अपमूव देखने को मिल रहा है, काफ़ी शानदार रैली रही है, एक महीने में 37% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए, क्या बने रहें या फिर अभी भी क्या खरीदारी के चांसेस हैं यहाँ पर कुछ? विपुल जी, नया ऑर्डर, नई तेजी और न्यू हाई, ये दोनों चीज इस शेयर में हुए हैं। ब्रेकआउट हुआ है चार्टिकली तो इसके अंदर में कम से कम 2 दिन की चाल या 2 दिन की जान और बची है। कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, बैंगलोर स्थित ये कंपनी है और मुझे लगता है कि इसके अंदर में नए नए ऊंचाइयां आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जी चलिए अगली कंपनी को लेकर के आते हैं अब स्क्रीन पर और रियल्टी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खबर ये है कि पुणे के हिंजेवाड़ी में कंपनी ने 11 एकड़ जमीन जो है वो विकसित करने का जो है ऐलान किया है। ये नए प्रोजेक्ट जो है, आपको बता दें कि कंपनी को करीब 1800 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद कंपनी को इस प्रोजेक्ट से है। इसके अलावा कल भी एक खबर थी कि बेंगलुरु में कंपनी ने करीब 7 एकड़ जमीन खरीदी है और यहाँ पर लग्जरी रिहायशी मकान जो है, फ्लैट्स जो है वो डेवलप करेगी कंपनी। और इसी के चलते आज हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि जमीन पर लग्जरी रिहायशी प्रोजेक्ट विकसित करेगी और यहाँ पर करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास की आय की उम्मीद जो है इस प्रोजेक्ट से कंपनी की है। और इसी के चलते आज हमने जब खबर बनाई थी तो 5% से ज़्यादा की तेज़ी गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिल रही थी और अभी अगर हम देखें तो अब 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 3317 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रियल्टी शेयरों पे आपका क्या व्यू होगा सर? ये शेयर में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले एक महीने में करीब 12-1% का रिटर्न यहाँ पर आया है, पिछले 6 महीने में 64% का रिटर्न।
अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज में क्या करना चाहिए? रियलिटी क्षेत्र में दो अलग अलग क्षेत्र हो गए हैं, एक अफोर्डेबल हाउसिंग और एक जिसे कहते हैं अपर और प्रीमियम इनकम वाले हाउसिंग। ये दोनों क्षेत्र में बहुत बड़ी डिमांड पैदा हो रही है और जो भी फ्लैट बनते हैं या जब लॉन्च होते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी डिमांड रहती है और वो जल्द बिक जाते हैं। मेरे ख्याल से आने वाले समय में जिस हिसाब से सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग में जो इंसेंटिव मिलता है इंटरेस्ट का, ये सब को लेकर मेरे ख्याल से रियलिटी क्षेत्र में एक डिमांड, एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी सब बनती रहेगी। कई बार जो रिजल्ट दिखते हैं वो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि रेरा के तहत हर प्रोजेक्ट की इनकम अलग अलग दिखानी पड़ती है और जब तक प्रोजेक्ट 25% पूरा नहीं हो जाता, आप उसके खर्चे और आपको जो एडवांस बुकिंग मिलते हैं वो आप बुक्स में नहीं दिखा सकते, वो एडवांस के तौर पर अलग से आते हैं। तो कई बार आम निवेशक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि रियल एस्टेट इतना अच्छा चल रहा है तो ये कंपनी लॉस क्यों कर रही है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और इस बीच जो है बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही है, लेकिन कुछ एक सवाल ले लेते हैं पहले, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, क्योंकि अमित खन्ना जी ने मनी नाइन को जो है वो 200 रुपये भेजे हैं और इनका सवाल ये है कि सर मेरे पास 200 शेयर सुला वाइन यार्ड के 537 के भाव पर लिए हुए हैं और साउथ इंडियन बैंक इन्होंने ले रखे हैं 300 शेयर 26 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि दोनों को शेयर पर मैं एक साल तक होल्ड कर सकता हूँ, आपका इन पर क्या नज़रिया है? सुला वाइन यार्ड अभी जो है 502 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने 537 पर लिए हैं, थोड़ा सा नुकसान जरूर हो रहा है। साउथ इंडियन बैंक आपने जो है 26 के भाव पर लिए हुए हैं और यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो 26.50 का है, तो यहाँ पे 50 पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2% नीचे है। सर ये दोनों शेयरों पर आपकी राय जानना चाहेंगे, साउथ इंडियन बैंक पर अभी क्या सलाह रहेगी और सुला वाइन यार्ड पर थोड़ा सा इनको नुकसान हो रहा है, क्या होल्ड कर सकते हैं अभी? विपुल जी, सुला वाइन का अगर आप चार्ट देखें तो करीब 700 के स्तर से जो इसने जनवरी में बनाया था वहां से लगातार शेयर दबाव में है और मौजूदा स्तर पे 500 रुपए के नीचे पहुंच चुका है। अभी भी ये गिरावट के बाद भी शेयर में बॉटम फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कि कुछ समय और लग सकता है शेयर का बॉटम बनने में। दूसरा, ये गिरावट में जो एवरेजेस पहले शेयर को सपोर्ट दे रही थी वो अब अड़चन बन रही है, तो शेयर में एक अच्छा खासा मूव चाहिए जो एवरेजेस के ऊपर चला जाए और उसके बाद इसमें कुछ अप ट्रेंड देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से इसमें अगर आप निवेशित हैं तो देखकर जब भी आप चाहें निकल सकते हैं, फिलहाल समय लगेगा, एवरेजिंग न करें क्योंकि फिलहाल अभी कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। दूसरा शेयर आपने बताया था SI साउथ इंडियन बैंक जी, और यहाँ 26 पे लिए हुए हैं सर इन्होंने, अभी 26.50 का भाव देखने को मिल रहा है, तो ब्रेक इवन पर ही है, 40-50 पैसे इनफैक्ट मिल ही रहे हैं इनको, तो क्या अभी होल्ड करना चाहिए? जब से राइट इशू आया है सर इसका और उसके बाद से शेयर की चाल एकदम सुस्त पड़ गई है, क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि फिलहाल चार्ट समझा नहीं रहा है क्या करना चाहता है, बट हाँ जैसे आपने टिप्पणी करी बहुत ही स्लगिश है चार्ट, तो कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा और शायद राइट इशू के बाद जो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी वो शेयर ने गवा दी है। चलिए, तो ये राय आपके लिए फिलहाल अमित जी निकल करके आती हुई। एक और सवाल ले लेते हैं फिर हम IPO की तरफ रुख करेंगे और यहाँ पर भी प्रमोद जी हैं मुंबई से, इन्होंने हमको 200 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने लिए हुए हैं और IRFC के बारे में हम लोगों ने अभी रेलवे के शेयर पर बात की है। IRFC सर इन्होंने 177 पे ले रखे हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने 68.35 रुपये के भाव पर ले रखे हैं। इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहते हैं, करें कृपया गाइड करें, नज़रिया इनका हमको पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म का व्यू है या शॉर्ट टर्म का व्यू है, लेकिन अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे नज़र डालें तो अभी ये जो है 63.84 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? नुकसान में है थोड़ा सा, आप IRFC और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आपका व्यू क्या होगा?
सर अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसका पैटर्न भी वैसा ही है जो कुछ समय पहले अपन ने सेंट्रल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया की बात करी। पूरा का पूरा पैक सामान्य तरीके से चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट है, बहुत कुछ इसमें पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ अगर डाइवेस्टमेंट के ऊपर इसमें खबर आती है तो नई चाल नई मूवमेंट इसमें देखने को मिले, फिलहाल कुछ नहीं है। जहां तक IRFC की बात करें तो इसमें भी मैं लोगों को जैसे पहले मैंने इरिडा आरएफसी इरिडा PFC और REC की बात करी, IRFC भी रेलवे को पैसा जुटा कर देती है। ये भी एक तरह की बैंकिंग कंपनी है और इसमें जो लोग बाग का एक एक्सपेक्टेशन है कि ये रेलवे स्टॉक है, रेलवे से संबंधित है, बट रेलवे के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, तो ये एक तरह से सिर्फ कमीशन कमाती है। तो इससे उम्मीद नहीं कीजिए कि अगर रेलवे बहुत बड़ा एक्सपांशन करेगी तो इसे ऑर्डर मिलेंगे, ये पैसा जुटा कर देगी, 35 पैसा इसे कमीशन मिलता है और यही उसकी आय है। तो सीमित दायरे में शेयर घूम रहा है, थोड़ा सा साइडवेज डाउनवर्ड करेक्शन हो रहा है मामूली सा, लेकिन पिछले 1 महीने में शेयर ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। हालांकि पिछले जो टॉप है उसके नीचे चल रहा है तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा बड़ा अप मूव देखने इसमें न मिले। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।